और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंकेंगे। अगर वो झुंड बना करके यानी पंजाब की ओर से कोई बड़ा प्रोसेशन लेकर के आएंगे तो वो नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, वो हरियाणा के लोगों को साथ लेकर यात्रा करते थे। नरेंद्र मोदी ने आपके पैसे को लेकर हिंदुस्तान के सबसे दो तीन बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा घटन का नाम नहीं ले रहा, सगों दिनों दिन वाधा जा रहा है। पंजाब दे विच कांग्रेस सरकार भी पूरी अड्डियां चक के जोर ला रही ने कि किसी न किसी तरह इस मुद्दे को कैच किया जाए, और उस मुद्दे को कैच करने वास्ते दिल्ली तो रवाना हो गए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान राहुल गांधी। राहुल गांधी का दौरा पंजाब दे विच कितना कु सफल रहा कितना कु असफल रहा यह मेरे तो वध तुसी जान दियो, लेकिन अज राहुल गांधी हरियाणे दे विच एंट्री कर रहे ने, और वड्डी गल यह है कि हरियाणे दे विच बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि राहुल गांधी का यह दौरा हरियाणे दे विच पंजाब वांग सफल होवे। हरियाणे के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने बकायदा तौर पर कह दिता है कि हरियाणे दे विच भीड़ लैके राहुल गांधी एंट्री नहीं कर सकणगे। दोस्तों वड्डी गल है कि पंजाब दे विच तां राहुल गांधी नूं पूरा समर्थन मिल रहा सी क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, लेकिन हरियाणे दे विच कांग्रेस सरकार नहीं है, उत्थे बीजेपी की सरकार है, विरोधी धिर की सरकार है, और इस करके राहुल गांधी दे इस एंट्री ते हरियाणा सरकार बैन भी ला सकती है। और दूसरी गल यह है कि उन्होंने शरेआम कह दिता कि भीड़ लैके हरियाणे विच राहुल गांधी एंट्री नहीं कर सकते। इस संबंध में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी ते निशाने कसे ने और हरियाणा सरकार ने कसे ने राहुल गांधी ते। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। केवल वातावरण को खराब ना करें और लैंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में न लें, हमको कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार के। अगर वो झुंड बना करके यानी पंजाब की ओर से कोई बड़ा प्रोसेशन लेकर के आएंगे तो वो नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, वो हरियाणा के लोगों को साथ लेकर यात्रा करते हैं, तो हमको कोई आपत्ति। नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए और उन्होंने आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करने जा रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं, काले धन से लड़ना है। आप सब गए, आप में से बहुत लोगों ने सोचा हां प्रधानमंत्री सच बोल रहा है, और आप गए, आपने अपना पैसा बैंक में डाला। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने आपके पैसे को लेकर हिंदुस्तान के सबसे दो तीन बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, लाखों करोड़ रुपए आपके जेब में से निकालकर उनका कर्जा माफ किया। जब किसान बैंक से पैसा लेता है डंडे मार के उससे ये पैसा वापस लेते हैं, मगर अगर अदानी और अंबानी बैंक से पैसा लेता है प्यार से नरेंद्र मोदी जी उनका कर्जा माफ करते हैं। कैसे करते हैं? किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का पैसा छीनकर उनके बैंक अकाउंट में डालकर। क्या काला धन मिट गया? काला धन कम हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं 12 बजे रात को अब हम जीएसटी लागू करेंगे। जीएसटी से किसका फायदा हुआ? छोटे दुकानदार का नहीं हुआ, किसान का नहीं हुआ, मजदूर का नहीं हुआ, युवाओं का नहीं हुआ, सबसे बड़े उद्योगपतियों का फायदा हुआ। कैसे? अगर आप छोटे दुकानदार हो, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाते हो, आपको आज तक नहीं मालूम, आज तक आपको जीएसटी नहीं समझ आए,
हर महीने आपको कोई ना कोई नया फॉर्म भरना पड़ता है, 5 अलग अलग टैक्स। कभी सरकार कहती है हम स्टेट को टैक्स नहीं देंगे, जीएसटी नहीं देंगे, मगर अगर आप अनिल, अगर आप अंबानी हो, अदानी हो, अकाउंटेंट की जरूरत 10 अकाउंटेंट, 15, 20, 30, 40, 50 जितने आपको चाहिए ले लो, जीएसटी से आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मगर जीएसटी ने हिंदुस्तान के सब छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? रास्ता साफ करना था, इनको परे करना था, इनको मारना था। मैं अपने ये मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा है सी, मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले है, 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने, ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैं मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने नाल मैं मार्केट में बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ, और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।